हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज अर्पिता. सो आज का वीडियो बहुत 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 डिफरेंट होने वाला है. आप लोगों को टाइटल देख के पता तो लग ही गया होगा क्या वीडियो होने वाला है. एंड आई शॉप्ड अ लॉट फ्रॉम मेला, सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर विद यू गाइस क्या क्या मैंने खरीदा एंड कितने प्राइस में. तो एक कॉल आ गया था इसीलिए वीडियो कट हो गया था. एंड आई एम गोइंग टू शो यू गाइज वट एवर आई गॉट फ्रॉम दी मेला बिकॉज आई लव टू शॉप फ्रॉम मेला. मैं बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ मेले में जाना और अभी भी मेरे को वो क्रेज अभी तक गया नहीं है. लाइक मेला आने से मतलब लगता है चलो जस्ट गो एंड हैव समथिंग लाइक खाना पीना, मतलब कुछ भी होता है तो मेला मुझे बहुत पसंद होता है. लाइक इस बार का मेला जो था वो रथ यात्रा स्पेशल था. कोलकाता में रथ यात्रा बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं एंड वी विजिटेड नियर टॉलीगंज. आप लोग को शायद समझ में नहीं आएगा जो आउट ऑफ कोलकाता देख रहे हैं कहाँ पर लोकेशन मैं बता रही हूँ, बट दोज हु आर फ्रॉम कोलकाता दे माइट नो द प्लेस. टॉलीगंज में लगा था मेला एंड आई विजिटेड देयर एंड या मैंने खरीदा कुछ आइटम्स और मैं शो करूँगी आप लोग को आज क्या क्या खरीदा और कितने कितने कम प्राइजेस में खरीदा एंड आई लव टू शॉप फ्रॉम देयर. सो चलो आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं. होपफुली आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगेगा. सॉरी नॉट अ ब्लॉग, एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हूँ कि ब्लॉग 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 बोलते बोलते, तो आई ऑलवेज से लेट्स स्टार्ट दी ब्लॉग. नो इट इज़ अ वीडियो, सो लेट्स गेट इन टू दी वीडियो. ज़्यादा बकबक नहीं करके चलते हैं वीडियो में एंड स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग आई ब्रॉट इज दिस बैग. दिस इज सो 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 बोहेमियन टाइप बैग और मेरे को ना लिटरली अभी स्पेशली अभी बहुत ज़्यादा बोहेमियन स्टाइल का क्रेज रख गया है. मतलब जो भी मुझे बोहेमियन स्टाइल का आइटम दिख रहा है मैं जस्ट खरीद ले रही हूँ एंड आई रियली लव इट बिकॉज मेरा स्टाइल है, वैसा ही मेरा स्टाइल है. सो ये पूरा जूट वर्क के ऊपर बैग है एंड अगर मैं बाहर कहीं भी ये मटेरियल मतलब ये आइटम अगर खरीदने जाती तो इट शुड कॉस्ट मिनिमम आपको कॉस्ट पड़ जाएगा 1000 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़. उससे भी कम भी पड़ सकता है लेकिन जो प्राइस में मैंने इसको ख़रीदा है वो प्राइस में तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है. सो या दिस इज़ द बैग आई ब्रॉट. कितना प्राइस है मैं लास्ट में आपको बताती हूँ. एंड हियर वी हैव वन चेन ऑल्सो. सो सी दिस, स्पेस भी बहुत ज़्यादा है. आप लोग को डेली गो टू के लिए ये बैग बहुत ही अच्छा रहता है. सो आई जस्ट ब्रॉट इट एंड मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था एंड जस्ट इंस्टेंटली आई थॉट कि नहीं मुझे लेना ही है ये बैग. सो ये यहाँ पर डबल स्लिंग भी है, मतलब ऐसे भी हम इसको ले सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन कैरी इट लाइक दिस. सो या both way we can carry this. This is the bag I got. तो हाँ ये bag मैंने लिया है just ₹350. दोबारा rupees बोल रही हूँ. तो या मैंने ये bag ₹350 में लिया है एंड लिटरली ये तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि ₹350 का bag नहीं है. एंड या आई गॉट इट सो लव्ड इट. एंड नेक्स्ट अब मैं जो आप लोग को दिखा रही हूँ, सो नेक्स्ट वट आई हैव इज दिस वन. अभी आप लोग को देख के समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट अमेट मैं आप लोग को दिखा देती हूँ क्या है ये. ये है, एक सेकेंड, एंड कहाँ है इसका, हाँ ये है ऐसा टाइप का जो कि हम घर के मेन डोर पे लगवा सकते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो सो 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 बोहेमियन बिकॉज इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ जूट. और ये एक स्टॉल बैठा था जहाँ पर उन्होंने जूट का आइटम्स लेके बैठी थी, तो डिकोर आइटम्स बहुत सारी थे. वी थॉट टू परचेस इट एंड लाइक मुझे तो ख़रीदना ही था, तो ये मैंने मेन डोर के लिए लिया था एंड आई एम हैंगिंग इट ऑन माई मेन डोर. और इसका प्राइस आप लोग अगर गेस कर सकते हो तो कर लो क्योंकि इसका प्राइस जस्ट पड़ा था ₹150. एंड सी दिस गाइस, ये पूरा हैंड वर्क है. इस ये प्राइस अगर ये मटेरियल हम बाहर कहीं भी खरीदने जाए, कोई भी एग्जीबिशन में खरीदने जाए, इट विल डेफिनेटली कॉस्ट 500. सो ये मटेरियल मुझे मिला है, इसमें और भी कुछ आइटम्स भी लगा हुआ है. देखिए आप लोग, शेल्स भी लगे हुए हैं एंड ये जो वर्क है बहुत ज़्यादा डेलिकेट वर्क होता है ये सब, तो दैट्स वाई आई थिंक ये मेरा बेस्ट परचेज था. ये और बैग, दैट बैग वन इज ऑल्सो अ बेस्ट परचेज फॉर मी. सो या ये मैंने ख़रीदा है फ्रॉम अ स्टोर, सेम स्टोर जो कि बैग का स्टोर था, वही वाला स्टोर से मैंने ये भी लिया है. एंड या
ये और एक नेक्स्ट परचेस था। नेक्स्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ वो सारा चीज़ मैं जब भी मेले में जाऊँ मुझे खरीदना ही होता है। लाइक दोज आइटम्स आई लव टू परचेस एंड मैं वही मतलब मेले से बहुत ज़्यादा कलेक्शन बढ़ाती हूँ। सो दोज आर ईयरिंग्स एंड नेकलेस भी मैं कभी कभी ले लेती हूँ। नेकलेस मीन्स ये जो ऐसा टाइप का नेक पीसेस होता है छोटा छोटा, वो सब मैं ले लेती हूँ। सो मैंने इस बार जस्ट ईयरिंग्स ही लिया है एंड या मैं क्या क्या ईयरिंग्स ली हूँ वो तो मैं दिखा दूँ। दिस इज़ द ईयरिंग आई गॉट। ये थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडाइज टाइप है। सो इसका मुझे बहुत पसंद था ये वाला डिज़ाइन एंड मैंने कभी परचेस नहीं किया था। मैंने झुमका वगैरह बहुत लिया हुआ है लेकिन ये वाला आइटम मेरे पास था नहीं। सो आई जस्ट थॉट कि ये अभी ले ही लेते हैं एंड इसका प्राइस पड़ा है जस्ट 30 रुपीज़। गाइस जस्ट 30 रुपीज़ में ये मैंने लिया है फ्रॉम मेला, सेम मेला से। दूसरा कोई स्टोर था वहीं से मैंने ये वाला लिया है। देन आई हैव दिस वन, दिस इज ऑल्सो अ ईयरिंग, वो स्क्वायर टाइप जो ईयरिंग होता है। अगर मैं स्नैनिक भी जाऊंगी और वहां से भी शॉपिंग करूंगी तो इट विल कॉस्ट मिनिमम 100 रुपीज, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ऐसा टाइप का एक पीस ऑलरेडी लिया था स्प्लैनेट से, इट कॉस्टेड मी 100 रुपीज एंड यहाँ मुझे जस्ट 30 रुपीज में ये पीस भी मिल गया है। देखिए ये मैं कोई भी वेस्टर्न आउटफिट के साथ पेयर अप कर सकती हूँ बिकॉज आई लव टू कलेक्ट दिस रिंग टाइप ऑफ ईयरिंग्स। मेरे पास बड़े वाली भी है, छोटे वाली भी है, सो व्हाई नॉट दिस स्क्वायर वन, तो मैंने इसीलिए ले लिया है। एंड देन नेक्स्ट आई हैव इज दिस वन। दिस ईयरिंग्स आर सो प्रिटी एंड सो नाइस। समटाइम्स हमें ये सब ईयरिंग्स कभी ज़रूरत पड़ता है वेस्टर्न लुक के लिए एंड आई थॉट व्हाई नॉट दिस, दिस इज़ सो प्रिटी आई थिंक। सो मैंने ये भी ले लिया है, इसका भी प्राइस सेम था 30 रुपीज़ ऑनली। ये तीनों मिला के मेरा जस्ट पड़ा था 90 रुपीज़। सो या आई एम काइंड ऑफ वाओ, कम पैसे में कौन नहीं चाहता बहुत सारा आइटम। सो नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने ये लिया था, ये वाला जो रबर बैंड है वो लिया था बिकॉज मुझे ना ये ओल्ड टाइप का जो रेट्रो टाइप का लुक कुछ क्रिएट करना था। सो आई थॉट व्हाई नॉट दिस वन विल बी द परफेक्ट फॉर मी। ये क्या होता है, हम जस्ट रबर बैंड बांधते हैं तो इसके साइड से ये दो जो रिबन है वो साइड से लगा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है और रेट्रो वाला फील देता है। सो आई ब्रॉट दिस, इट कॉस्टेड मी 20 रुपीज। सो या दिस इज़ अ नाइस वन और 20 रुपीज इज सो चीप। सो या दिस इज ऑल्सो द लास्ट थिंग आई गॉट फ्रॉम मेला। तो होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स एंड दी वीडियो। एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या बाय गाइज, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।